धन्यवादेशु 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 धन्यवाद प्रभु धन्यवाद प्रभु धन्यवाद प्रभु धन्यवाद प्रभु धन्यवाद प्रभु प्रेमी अनुग्रह कार्य खुदा दयालु कृपयालु अति करुणा में अति समर्थी सर्वशक्तिमान अति उत्तम इस नाश्रय आपका धन्यवाद हो, आपका आदर हो, सम्मान हो, तारीफ बढ़ाए प्रशंसा हो। धन्यवाद करते हैं खुदावन, एक बार फिर से प्रभु आपके हजूरी में आते हैं, आपकी उपस्थिति में आते हैं, आपके पावन पवित्र चरणों के निकट घुटने पे आते हैं और उन लोगों को भी लाते हैं जो आज इस शुक्रवार की उपवास प्रार्थना में फास्टिंग प्रेयर में शामिल है, उपस्थित है। आज की प्रार्थना को रिसीव करें स्वर्गीय पिता, प्रभु अनुग्रह कर, प्रभु दया कर, कृपा कर, प्रभुता कर, करुणा करो। लॉर्ड जीसस धन्यवाद देते आपकी स्तुति हो प्रभु, प्रभु धन्यवाद देते, प्रभु तो अनुग्रह कर, प्रभु तो दया कर, कृपा कर, प्रभुता कर, करुणा करो। लॉर्ड जीसस धन्यवाद देते, स्तुति हो पिता, स्तुति हो, तेरी महिमा हो, तेरी प्रशंसा हो, तेरी तारीफ हो। धन्यवाद करता स्तुतियों में वास करने वाले खुदावन विष्णु नासरी आपका धन्यवाद देते हैं। स्वर्ग और पृथ्वी का राजकुमार प्रभु यीशु मसीह आपका धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं, आपका आदर और सम्मान करते हैं। प्रभु तो अनुग्रह करते हैं, प्रभु तो दया करते हैं, कृपा करते हैं, प्रभुता करते हैं, करुणा करते हैं, तरस कर शुद्धि ले लो जीसस। धन्यवाद देते प्रभु आज शुक्रवार की उपवास प्रार्थना में जितने मसीह भाई बहन बच्चे नौजवान बड़े बुजुर्ग शामिल हैं उपस्थित हैं प्रभु, आज की प्रार्थना को रिसीव करें स्वर्गीय पिता, उनके जीवन में चमत्कार होने पाए, अद्भुत अनोखा काम होने पाए, बड़े बड़े कार्य होने पाए, आश्चर्य कर्म होने पाए, उनको हर खुशियाँ मिलने पाए, हर आशीषें मिलने पाए, सफलता बढ़ोतरी बरकत मिलने पाए। धन्यवाद देते प्रभु, आपकी स्तुति महिमा प्रशंसा करते हैं, तारीफ करते, पढ़ाई करते, अनुग्रह कार्य खुदा दयालु कृपयालु खुदा मुक्ति के दाता शांति के राजकुमार आपका धन्यवाद देते प्रभु, सबों के जीवन में सुख शांति और चैन दीजिए। धन्यवाद देते प्रभु, आपकी स्तुति महिमा प्रशंसा करते तारीफ करते प्रभु अनुग्रह कर, प्रभु दया कर दे, कृपा कर दे, प्रभुता कर दे। प्रभु जी ए भाई ए बहन ए बच्चा ए नौजवान ए बड़े बुजुर्ग जो कुछ भी पाने के लिए प्रभु जी आज फास्टिंग है, उपवास है प्रभु, और आपको पुकार रहे हैं प्रभु जी उपवास में, आपको आवाज़ दे रहे हैं स्वर्गीय पिता, आपसे विनती प्रार्थना करें, याचना करें प्रभु, तू उनके उपवास की प्रार्थना को सुन, उनके उपवास के पुकारों को आवाज़ों को सुन और सुन करके उत्तर जवाब देने के लिए उनके निकट आ स्वर्गीय पिता। धन्यवाद देते हैं प्रभु, तो अनुग्रह कर ये भाई जो चाहते हैं, ये बहन ये नौजवान बड़े बुजुर्ग जो चाहते हैं प्रभु, इनके लिए वो कर प्रभु, ताकि इनके जीवन से तेरी स्तुति महिमा प्रशंसा तारीफ बढ़े और आदर सम्मान हो गए। धन्यवाद देते प्रभु जी, आपकी स्तुति करते प्रभु, सबों के जीवन में तू चमत्कार कर, क्योंकि तू सबों के लिए भला परमेश्वर है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति परमेश्वर का धन्यवाद हो। हालेलुया धन्यवाद यीशु, हालेलुया धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। मेरे प्रिय भजन संहिता की पुस्तक 34 अध्याय के उसका 3 से वचन को पढ़ेंगे। इसमें राजा दाऊद कहते हैं कि मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो और आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। हालेलुया, क्यों? क्योंकि मैं यहोवा के पास गया और तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भर किया। हालेलुया, क्या कहते हैं राजा दाऊद? मैं यहोवा के पास गया और यहोवा ने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भर किया। हाँ मेरे प्रियो, प्रभु आपको भी निर्भय करेगा। हालेलुया, अगर किसी प्रकार की डर की आत्मा आपके जीवन में कार्य करता है तो वो आत्मा प्रभु निकालेगा और आपको निर्भय बनाएगा। हालेलुया, लेकिन कब? जब आप प्रभु के निकट आएंगे, प्रभु के हजूरी में उपस्थिति में आएंगे और उसकी स्तुति करेंगे, उसकी बड़ाई करेंगे। हालेलुया, प्रभु की स्तुति पर मुस्तक धन्यवाद हो। मेरे प्रियो, आगे लिखे हैं, जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई
और उनका मुख कभी काला ना होने पाया। हाँ मेरे प्रियो, जिनकी आंखें प्रभु की ओर लगी रहती हैं, जिनकी विश्वास भरोसा आशा प्रभु के ऊपर होता है, प्रभु से होता है, सच में उनका मुख कभी काला नहीं होता और वो कभी अंधकार में नहीं चलता, ज्योति में रहता है और ज्योति में चलता है, प्रभु के प्रकाश को पाता है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति और परमेश्वर का धन्यवाद हो। मेरे प्रियो, 6 पद में लिखे हैं कि जो लोग अपने आप को दिन बनाकर प्रभु को पुकारते हैं तो प्रभु उनकी सुनता है और सुनकर उनको उनके सब कष्टों से छुड़ाता है। अगर आपके जीवन में किसी प्रकार की कष्ट है, समस्या है, दिक्कत है, परेशानी है, तकलीफें हैं, दुख दर्द पीड़ा है और आप उन सब से छुटकारा पाना चाहते हैं तो अपने आप को दिन और नर्म बनाइए, तब जाकर के प्रभु को पुकारिए, प्रभु को आवाज़ दीजिए, प्रभु से प्रार्थना विनती दुआ कीजिए, अर्चना कीजिए, तो प्रभु आपकी सुनेगा और उन सारे कष्टों से प्रभु आपको छुड़ाएगा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति परमेश्वर का धन्यवाद हो। मेरे प्रियो, 7 पद में लिखा है कि यहोवा के डरे हुए के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति परमेश्वर का धन्यवाद हो। अगर आप प्रभु का भय खाते हैं, प्रभु से डरते हैं, प्रभु के सामने थरथराते हैं तो प्रभु क्या करेगा, आपके निमित्त अपने दूतों को भी आज्ञा देगा कि वो आपकी रक्षा रखवाली करें, आपको हर खतरों से, दुर्घटना, एक्सीडेंट से बचाए। हालेलुया, प्रभु की स्तुति परमेश्वर का धन्यवाद हो। अरे प्रियो, 8 में लिखा है, प्रभु कर देखो कि यहोवा कैसा भला है, क्या है धन है वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। हालेलुया, आप प्रभु का भय खा करके, प्रभु से डर करके देखिए कि प्रभु आपको संभालता है कि नहीं। हालेलुया, प्रभु की स्तुति परमेश्वर का धन्यवाद हो। मेरे प्रियो, 9 और 10 में लिखा है, हे यहोवा के पवित्र लोगों, उसका भय मानो क्योंकि उसके डरवायु को किसी बात की घटी नहीं होती। जवान सिंहों को तो घटी होती और वे भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भले वस्तु की घटी न होगी। हालेलुया, प्रभु की स्तुति परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ मेरे प्रियो, हालेलुया, अगर आप प्रभु का भय खाएंगे, प्रभु से डरेंगे, प्रभु के सामने थरथराएंगे तो सच में प्रभु किसी भी बात की घटी कमी होने नहीं देगा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति और परमेश्वर का धन्यवाद हो। वो कभी आपको भूखे रहने नहीं देगा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति और परमेश्वर का धन्यवाद हो। सब कुछ पूरा करके, उपाय करके आपको देगा, आपका मुहैया करेगा। क्या लिखा है, जवान सिंहों को तो घटी होती और वे भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी बड़ी वस्तु की घटी न होगी। अगर आप प्रभु का भय खाएंगे और हर बात में प्रभु को धन्यवाद देंगे और उठते ही प्रभु को खोजेंगे, हालेलुया, प्रभु की स्तुति परमेश्वर का धन्यवाद हो। हालेलुया, तो प्रभु क्या करेगा, किसी भी भले वस्तु की घटी कमी आपको होने नहीं देगा, किसी भी बात की चीज़ की घटी कमी आपको होने नहीं देगा। सब कुछ पूरा करके, उपाय करके आपको देता रहेगा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति परमेश्वर का धन्यवाद हो। मेरे प्रियो, आगे बढ़ेंगे तो लिखा है, हे लड़को आओ मेरी सुनो, मैं तुमको यहोवा का भय मानना सिखाऊंगा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति परमेश्वर का धन्यवाद हो। वह कौन मनुष्य जो जीवन की इच्छा रखता है और दीर्घायु चाहता है ताकि भलाई देखे। क्या लिखा है इसमें, वह कौन मनुष्य जो जीवन की इच्छा रखता है और दीर्घायु चाहता है ताकि भलाई देखे। अगर आप लंबी आयु चाहते हैं, हालेलुया, अधिक दिन तक पृथ्वी पर जिंदा रहना चाहते हैं और अपने जीवन में भलाई देखना चाहते हैं, आशीष से सफलता, बढ़ोतरी, बरकत देखना चाहते हैं, तो आगे पढ़ेंगे तो लिखा है, अपनी जीभ को बुराई से रोक रख और अपने मुंह को चौकसी करके उससे छल की बात ना निकले। बुराई को छोड़ और भलाई कर, मेल को ढूंढ और उसी का पीछा कर। यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगे रहते हैं और उनके कान भी उनकी दुहाई की ओर लगे रहते हैं। हालेलुया, प्रभु की स्तुति और परमेश्वर का धन्यवाद हो। अगर आप बुराई को छोड़ देंगे, अपने जीव से किसी के प्रति गलत नहीं बोलेंगे, अपने मुंह से नहीं निकालेंगे, हालेलुया, प्रभु की स्तुति और परमेश्वर का धन्यवाद हो, तो क्या होगा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति परमेश्वर का धन्यवाद हो। आप प्रभु को पुकारेंगे और प्रभु आपकी सुनेगा,
आपके ऊपर प्रभु की आंख है, लगी रहेगी आपके मुंह के वचनों की ओर, प्रभु का कान लगा रहेगा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति पर मिश्र का धन्यवाद हो। आगे पढ़ेंगे तो लिखा है यहोवा बुराई करने वालों के भी मुख रहता है ताकि उनका स्मरण पृथ्वी पर से मिटा डाले। हालेलुया, जो लोग बुराई की ओर से पाप की ओर से अपने मन को नहीं फिराते हैं, उसी में फंसे रहते हैं, पाप बुराई को नहीं छोड़ते हैं, करते रहते हैं, हालेलुया, प्रभु क्या करेगा? ताड़ना देगा, दंड देगा, बहुत ही भयानक सजा देगा। लिखा है प्रभु पृथ्वी पर से मिटा डालेगा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति पर मिस्र का धन्यवाद। धर्मी दुहाई देते हैं और यहोवा सुनता है और उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। हालेलुया, मेरे प्रिय प्रभु का भय खाइए, यानी कि सब प्रकार के पाप और बुराई से, व्यभिचार से, शरीर और संसार की अभिलाषा से दूर रहिए। तो आप जब भी प्रभु को पुकारेंगे, प्रभु की दुहाई देंगे, प्रभु आपकी सुनेगा और आपको सब विपत्तियों से छुड़ाएगा। हालेलुया, 18 में लिखा है कि यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पीसे हुओं का उद्धार करता है। मेरे प्रियो, हमारा प्रभु मेल बलि या होम बलि से प्रसन्न नहीं होता है, टूटा और पीसा हुआ मन प्रभु की योग बलिदान है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति परमेश्वर का धन्यवाद हो। हालेलुया, टूटे और पीसे मन के साथ प्रभु को पुकारिए तो प्रभु आपकी पुकारों को सुन करके आपका उद्धार करेगा। 19 में लिखा है धर्मी पर बहुत से विपत्तियां पड़ती तो है परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है। हालेलुया, मेरे प्रियो, अगर आप प्रभु के सब आज्ञा का पालन करते, उसके विधि नियमों को मानते, उसके वचन पर चलते, वचन के अनुसार अपने जीवन को बिताते हैं, हालेलुया, हर परिस्थिति में उससे लिपटे रहते, उसके प्रेम में बने रहते हैं, उसके साथ अपने संगति को बनाए रहते हैं, हालेलुया, फिर भी आपके ऊपर विपत्तियां आता है, आपके जीवन में समस्याएं आता है, तो घबराइए मत। हालेलुया, प्रभु की स्तुति परमेश्वर का धन्यवाद हो, क्योंकि लिखा है धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती हैं परंतु यहोवा यानी कि प्रभु उन सबको क्या करता है, उन सबसे मुक्त करता है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति परमेश्वर का धन्यवाद हो। जो समस्या आपके जीवन में आया है वो समस्या खत्म हो जाएगा, जो विपत्तियां आपके ऊपर आया है वो विपत्तियां खत्म हो जाएगा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति परमेश्वर का धन्यवाद हो। 20 में लिखा है वह उसकी हड्डी हड्डी की रक्षा करता है और उनमें से एक भी टूटने नहीं पाते। हाँ मेरे प्रियो, प्रभु की स्तुति परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु क्या करेगा? आपके हड्डी हड्डी की रक्षा रखवाली करेगा, उनमें से एक भी हड्डी को टूटने नहीं देगा। हालेलुया, दुष्ट अपनी बुराई के द्वारा मारा जाएगा और धर्मी के बेरे दोषी ठहरेंगे। जो लोग दुष्टता के काम करते रहेंगे, पाप बुराई करते रहेंगे, व्यभिचार करते रहेंगे, अपने मन को पाप की ओर से नहीं फिराएंगे, हालेलुया, प्रभु की स्तुति परमेश्वर का धन्यवाद हो, तो क्या लिखा है इसमें, वो मारा जाएंगे। हालेलुया, लेकिन जो लोग प्रभु की ओर अपने मन को फिराएंगे, सब प्रकार के पाप और बुराई करना छोड़ देंगे, संसार और शरीर की अभिलाषा रखना, प्रभु की सब आज्ञा का पालन करेंगे, हालेलुया, प्रभु की स्तुति परमेश्वर का धन्यवाद हो, तो आपका शत्रु, आपका बैरी, आपका दुश्मन, हालेलुया, प्रभु की स्तुति परमेश्वर का धन्यवाद हो, दोषी ठहराया जाएगा। हालेलुया, पराजित होगा, आपके ऊपर कभी आनंद नहीं करेगा। हालेलुया, कौन दोषी ठहराएगा? प्रभु ठहराएगा, जिसका आप भय मानते हैं वही ठहराएगा, वही पराजित करेगा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति परमेश्वर का धन्यवाद हो। मेरे प्रियो, लास्ट वचन को पढ़ेंगे। हालेलुया, इसमें लिखा है कि यहोवा अपने दासों का प्राण मोल लेकर बचा लेता है और जितने उसके शरण गत हैं उनमें से कोई भी दोषी न ठहरेगा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु अपने लोगों को संभालता है, अपने जन को, अपने दास दासी, बेटा बेटी को, अपनी निज प्रजा को क्या करता है, संभालता है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति परमेश्वर का धन्यवाद हो। किसी प्रकार का हालेलुया दोष अपने लोगों के ऊपर लगने नहीं देता है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति परमेश्वर का धन्यवाद हो। दाग लगने नहीं देता है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति परमेश्वर का धन्यवाद हो। कुछ हानि होने नहीं देता है, नुकसान चोट पहुंचने नहीं देता है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति परमेश्वर का धन्यवाद हो। धन्यवाद यीशु, आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी प्रशंसा को धन्यवाद देते। प्रभु तू अनुग्रह कर, प्रभु तू दया कर, कृपा कर, प्रभुता कर, लोटे जीसस, धन्यवाद देते हैं प्रभु।
धन्यवाद यीशु, आपकी स्तुति करते हैं प्रभु जी। प्रभु अनुग्रह कर दीजिए, प्रभु दया कर दीजिए, कृपा कर दीजिए प्रभु जी। अनुग्रह कर जितने बच्चे नौजवान बड़े बुजुर्ग इस प्रार्थना को रिसीव करें, वो जैसे भी हैं तेरे हैं प्रभु। हाँ, तेरे निज पा जाए, तेरे जन है, लोग हैं, बेटा बेटी हैं, दास दासियाँ हैं प्रभु जी। हम सबों के ऊपर तू अपने अनुग्रह को, दया को, कृपा को, प्रभुता करुणा को बनाए रख स्वर्गीय पिता। उनकी कुछ हानि होने न दे, कोई विपत्तियाँ प्रभु जी उनके ऊपर पड़ने ना पाए, कोई दुख उनके डेरे के निकट आने ना पाए प्रभु। उनकी हड्डी हड्डी की रक्षा रखवाल कर, उनमें से एक भी हड्डी को टूटने मत दे, नस मास का देखभाल कर। खुदा धन्यवाद देते, आपकी स्तुति महिमा प्रशंसा करते, तारीफ करते, ब्लैक राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु। अनुग्रह कीजिए, दया कीजिए, कृपा कीजिए, खुदा धन्यवाद देते सबों को प्रभु। सब प्रकार की खुशी से, आनंद से भर दीजिए प्रभु, नई हर्ष उमंग से भर दीजिए प्रभु। धन्यवाद देते प्रभु, अनुग्रह कर प्रभु, दया कर, कृपा कर, प्रभुता कर, खुदा धन्यवाद देते यीशु नाम से। धन्यवाद देते प्रभु, अनुग्रह कर प्रभु। प्रभु जो आपको पुकार रहे हैं स्वर्गीय पिता, आपके हजूरी में आकर के, आपकी उपस्थिति में आकर के, आपके पावन पवित्र चरणों के निकट घुटने पे आकर के आपको आवाज़ दे रहे हैं स्वर्गीय पिता, प्रभु तू उनकी सुनो और उनको पूरी रीति से निर्भय कर। खुदा धन्यवाद देते हैं प्रभु, उनके मुख पर अपना मुख का प्रकाश चमका, ज्योति में रख और ज्योति में चला स्वर्गीय पिता। धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते सारे कष्टों से प्रभु जी छुड़ा प्रभु, संकट से प्रभु छुड़ा प्रभु, दिक्कत परेशानी तकलीफ से, रोग बीमारी से, दुख दर्द पीड़ा से छुड़ा। खुदा धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते प्रभु जी। धन्यवाद यीशु, प्रभु अनुग्रह कर, प्रभु दया कर, जितने भी प्रभु जी आज की प्रार्थना को प्रभु रिसीव करें, उनके जीवन में किसी भी बात की, किसी भी चीज़ भले वस्तु की कमी घटी कभी होने मत, स्वर्गीय पिता धन्यवाद देते प्रभु जी। प्रभु अनुग्रह कर प्रभु, प्रभु दया कर, सबों के अंदर तेरे प्रति प्रभु जी भय और प्रेम बना रहे स्वर्गीय पिता। धन्यवाद देते, आपकी स्तुति करते प्रभु, ताकि वो लोग प्रभु सब प्रकार की आशीष से आपकी ओर से पा सके प्रभु, खुशी और सफलता बढ़ोतरी आपकी ओर से पा सके। सहायता मदद कर प्रभु, प्रभु अनुग्रह कर, प्रभु दया कर, कृपा कर, प्रभुता कर, लोटी जीसस। धन्यवाद देते प्रभु जी। प्रभु वचन कहते हैं कि धर्मी पर बहुत सी विपत्तियाँ पड़ती तो हैं, परंतु तू उनको उन सबसे मुक्त करता है। तो होने दे प्रभु जी, हम सब मसीह भाई बहन मिलकर आपके हजूरी में आए हैं प्रभु जी। हम जैसे भी हैं आपके हैं प्रभु जी, अनुग्रह कर हर विपत्तियों में से, समस्या उलझन कलेश परीक्षा मुसीबत में से हमें बाहर निकाल, रोग बीमारी में से, तकलीफ से, तकलीफ में से, दिक्कत परेशानी में से हमें बाहर निकाल प्रभु जी, ताकि हमारे जीवन से तेरी स्तुति हो, हमारे कंठ मुँह से तेरी महिमा प्रशंसा तारीफ बढ़ाई हो। धन्यवाद देते हैं स्वर्गीय पिता, की स्तुति महिमा प्रशंसा करते प्रभु, अनुग्रह का दया करते, कृपा करते प्रभु। धन्यवाद देते हैं, हालेलुया प्रभु, की स्तुति परमेश्वर का। धन्यवाद प्रभु, जिनको शुगर है उनको छू ले प्रभु, ताकि वो शुगर से मुक्त हो जाए। जिनको थायराइड है उनको छू ले, ताकि वो थायराइड से मुक्त हो जाए। जिनके बॉडी में सफ़ेद दाग धब्बे हैं, गिल्टी है, घाटा है, रसोलिया प्रभु उनको छू ले, ताकि प्रभु जी उनके सफ़ेद दाग धब्बे, घाटा, गिल्टी, रसोलिया खत्म हो जाए प्रभु। अनुग्रह कर प्रभु, जिनके मसूड़ों में दर्द सूजन है प्रभु जी, दर्द सूजन को दूर करते प्रभु। ब्रेन ट्यूमर चंगा होने के लिए प्रेयर करते, मिर्गी लकवी की बीमारी चंगा होने के लिए प्रेयर करते। जिनके बॉडी का कोई अंग सूख गया है, फिर से उस अंग को छूले और हरा भरा करते। खुदा धन्यवाद देते प्रभु, आपकी स्तुति करते, आपकी महिमा, आपकी प्रशंसा करते, आपकी तारीफ, आपकी बड़ाई करते, आपका आदर और सम्मान करते। जो हॉस्पिटल में एडमिट है, कोमे में, आईसीयू में है स्वर्गीय पिता, प्रभु अनुग्रह का स्वर्गीय पिता, आपकी स्तुति करते प्रभु, उनको फिर से उठाकर खड़ा करो, उस जहान में चला दे। खुदा धन्यवाद देते प्रभु, जिनका एक्सीडेंट हुआ है प्रभु, प्रभु जी बहुत जल्द उठा करके खड़ा करो और इस जहान में चला। खुदा चोट लगा हुआ सूजन दर्द प्रभु, चंगा होने के लिए आपसे प्रेयर करते, सहायता मदद कर स्वर्गीय पिता। जो हड्डी टूट गया है, उस हड्डी को प्रभु आप जोड़ दीजिए खुदा। धन्यवाद देते प्रभु, फिर से आप नया बना दीजिए खुदा। धन्यवाद देते प्रभु, अनुग्रह का दिक्कत परेशानी समस्या तकलीफों से प्रभु आप बचा करके रखिए प्रभु, अपने लोगों को, अपने जन को, बेटा बेटी निज प्रजा को संभाल करके रखिए खुदा। धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते, आपकी महिमा, आपकी प्रशंसा करते प्रभु, तारीफ करते प्रभु, बढ़ाई करते, आपका आदर और सम्मान करते खुदा। धन्यवाद देते प्रभु, अनुग्रह कर प्रभु, दया कर, सबों के मांगों को पूरा कर, सहायता मदद कर स्वर्गीय पिता। प्रभु जी अनुग्रह कर, जो फास्टिंग है प्रभु जी, प्रभु अनुग्रह कर प्रभु जी, उनके फास्टिंग का प्रतिफल उनको दे स्वर्गीय पिता। धन्यवाद देते हैं, हाँ प्रभु, जो उपवास है उनके उपवास का प्रतिफल तू उनको दे प्रभु जी। धन्यवाद देते प्रभु जी, अनुग्रह कर, जो पाने के लिए, जो हासिल करने के लिए प्रभु जी, ये बहन, ये बच्चा, नौजवान, बड़े बुजुर्ग फास्टिंग उपवास है प्रभु, अनुग्रह कर प्रभु,
कि आपकी ओर से और सब पास सके हासिल कर सके। सहायता मदद कर खुद आपकी स्तुति करते, आपकी महिमा आपकी प्रशंसा करते, धन्यवाद देते प्रभु। सबके मनोकामना को सपना मनोरथों को पूरा कर दे, घुटने का दर्द जड़ों का दर्द दूर कर दे स्वर्ग पिता। सहायता मदद कर प्रभु, आपकी स्तुति महिमा प्रशंसा करते हैं, तारीफ करते बड़ाई करते हैं, आपका आदर और सम्मान करते हैं। लॉर्ड जीसस होली स्पिरिट पवित्र आत्मा धन्यवाद देते, पवित्र 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 खुदा धन्यवाद देते, सामर्थ्य सर्वशक्तिमान खुदा धन्यवाद देते, यीशु नासरत धन्यवाद देते, प्रभु परमेश्वर धन्यवाद देते, प्रभु अनुग्रह दया और कृपा कर दे प्रभु धन्यवाद देते। हालेलुया प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो, धन्यवाद प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी तारीफ हो प्रभु, आपकी बड़ाई हो, आपका आदर और सम्मान हो प्रभु जी, धन्यवाद देते प्रभु जी। प्रभु अनुग्रह कर प्रभु, सबों को आत्मिक जहर और रोटी से तृप्त कर दे प्रभु। सहायता मदद कर स्वर्गीय पिता, ताकि कोई प्रभु आत्मिक जीवन में कमजोर होने न पाए। सहायता मदद कर, आपकी स्तुति महिमा प्रशंसा करते, तारीफ करते, पढ़ाई करते प्रभु, आपका आदर और सम्मान करते, धन्यवाद करते कि तू हमारी प्रार्थनाओं को सुना और उत्तर दिया प्रभु। इसके लिए लाखों लाखों कोटि कोटि धन्यवाद देते प्रभु जी, आपका आदर और सम्मान करते, सहायता और मदद कीजिए। धन्यवाद देते प्रभु, आपकी स्तुति महिमा प्रशंसा करते, तारीफ करते, पढ़ाई करते, धन्यवाद यीशु, आपकी स्तुति हो जाए, आपकी महिमा आपकी प्रशंसा हो जाए। लॉर्ड जीसस धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद देते उधार करता चट्टान ढाल की गढ़ हमारा स्वास्थानी सुनाश्री, आपका धन्यवाद देते प्रभु। तू अनुग्रह कर सहायता मदद कर प्रभु जी, इस भाई को जो कुछ भी चाहिए दीजिए, इस बहन बचन और जान पड़े बुजुर्ग को जो कुछ चाहिए दीजिए, ताकि इनका विश्वास आपके ऊपर अटल बना रहे। धन्यवाद देते स्वर्गीय पिता, आप हमारी प्रार्थनाओं को सुने और उत्तर हाँ आमीन में दीजिए। इसके लिए लाखों लाखों कोटि कोटि धन्यवाद देते प्रभु जी, जो लोग कमेंट के माध्यम से प्रभु जी अपने प्रार्थना निवेदन को प्रार्थना विषय को दिए, उनके दिए हुए एक एक प्रार्थना निवेदन प्रार्थना विषय को आपके सम्मुख रखता पुत्र हाँ आमीन में दीजिए। लॉर्ड जीसस धन्यवाद देते, आपकी स्तुति करते प्रभु जी, आप हमारी प्रार्थनाओं को सुने, ग्रहण किए, स्वीकार किए और उत्तर जवाब हाँ आमीन में दिए। इसके लिए लाखों लाखों कोटि कोटि धन्यवाद देते, सारा आदर महिमा और सम्मान आपको मिले स्वर्गीय पिता। प्रार्थना विनती आपको उधार करता नाम मांगते कहते खुदा जी आमीन आमीन आमीन। लॉर्ड जीसस आमीन। हालेलुया प्रभु की स्तुति हो मेरे प्रिय, हर रोज डेली प्रतिदिन सुबह 4 बजे के और शाम 4 बजे के प्रार्थना को रिसीव कीजिए। हर रोज डेली प्रतिदिन सुबह 4 बजे और शाम 4 बजे हमारे साथ प्रार्थना में शामिल होइए, उपस्थित होइए। प्रभु का अनुग्रह, प्रभु का दृष्टि, कृपा, प्रभु का करुणा आपके ऊपर बना रहेगा। हालेलुया। और आप दिन प्रतिदिन आगे गुरु बढ़ते जाएंगे, उन्नति करेंगे, ऊंचे पर लुप्त होंगे, प्रभु ऊंचा पद देगा, ऊंचे स्थानों पर आपको बैठाएगा। हालेलुया मेरे प्रिय, आज की प्रार्थना को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, प्रभु आपको सच में स्वर्गीय आशीषों से तृप्त करेगा। अगर आपके जीवन में किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी तकलीफें हैं तो कमेंट के माध्यम से बताइए, हम आपके कमेंटों को देखते हैं, पढ़ते हैं और प्रभु से दुआ भी करते हैं, प्रभु उसका जवाब हाँ आमीन में आपको देगा।